पाठ दो, बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक के घर में पिछले कई दिनों से चूहे हो गए थे, जिसके कारण अनेक समस्याएं हो रही थी। अनाज का नुकसान हो रहा था, अतः अनाज की सुरक्षा के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, किंतु ये ढोल भी कारगर नहीं हुए। उसमें भी चूहे घुसने लगे। कुछ मित्रों ने घर में एक बिल्ली पालने का सुझाव दिया और बिल्ली लाई भी गई। बिल्ली की खूब खातिर होने लगी। बच्चे उसे रोटी और दूध देने लगे। कुछ ही दिनों में बिल्ली ने चूहों का सफाया कर दिया। सभी लोग बड़े खुश हुए। 2 महीने में लोग चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से परेशान हो गए, क्योंकि अब बिल्ली की आदत बदल गई। अब वह मौका देखते ही दूध, दही, भोजन आदि चट कर देती। लेखक को अब बिल्ली से पीछा छुड़ाने की चिंता होने लगी। लेखक का नौकर अमरू बहुत होशियार था। एक दिन रात को उसने एक खाली बोरी में 2 रोटियां डालकर रख दी। बिल्ली जैसे ही रोटी की लालच में बोरी के अंदर गई, अमरू ने तुरंत बोरी का मुंह पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। लेखक ने नौकर से बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने को कहा, जहां से वह कभी वापस ना आ सके। अगले दिन वह सुबह अमरू बोरी कंधे पर लटकाए बिल्ली को भूली भटियारिन पे छोड़ने चल दिया। रास्ते में कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं बोरी में अब बच्चा लेकर जा रहा है। 2 आदमी अमरू के पीछे लग गए। उन्होंने देखा बोरी अंदर से हिल रही है। उन्हें इस बात का भरोसा हो गया कि इस बदमाश ने बोरी में किसी बच्चे को पकड़ा है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने उसे घेर लिया। पुलिस थाना वहां से नजदीक ही था, अतः एक व्यक्ति दौड़कर पुलिस वाले को बुला लाया। थानेदार ने जब अमरू को मारने की धमकी दी, तो उसने बोरी का मुंह खोल दिया और बिल्ली का बुलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ भाग गया। इस पर थानेदार झेप गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया।